जी दोस्तों, मेरा नाम है खुरम। आप देख रहे हैं के बर्ड जून। आज मैं आपको जिस फिजेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उसका नाम है स्विनो फिजेंट। स्विनो फिजेंट के बारे में आज आपको बताऊंगा ये कहां से ताल्लुक़ रखता है, कितने अंडे देता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इसकी फार्मिंग करनी चाहिए और फार्मिंग करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि ये परिंदा ज़्यादा हो और हर इंसान इससे शौक करे। जी दोस्तों, ये है ताइवान का फिजेंट, जिसे स्विनो फिजेंट भी कहते हैं। इसे ताइवान फिजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान के लोग इसे अनऑफिशियली तौर पर ताइवान नेशनल बर्ड के तौर पर भी मानते हैं। इसका जो कलर है उनके ताइवान के झंडे से मिलता है, मतलब उनके नेशनल फ्लैग से मिलता है, ब्लू और वाइट कलर। ये आमतौर पर अंडों की जो इसकी मकदार है, ये एक क्लच के अंदर 4 से 8 अंडे देता है और इसी तरह कोई 4-3-4 क्लच करता है, मतलब 15-20 अंडे दे देता है। और कुछ लोगों ने इसके साथ दो दो फीमेल्स लगाई होती हैं। मैंने इसके साथ एक फ़ीमेल लगाई है। माशाल्लाह आज हमारे फार्म पर इसका पहला अंडा हमें मिल गया। ये देखें, ये इसका फर्स्ट एग है। तो माशाल्लाह इसने ब्रीड करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। शुक्रिया।